85 साल के बुजुर्ग को फोन आया कि फला फला हमारी कंपनी के शेयर खरीद लो, 3 महीने में पकते ही पैसे दोगुने हो जाएंगे। बुजुर्ग बोले, बेटा मैं उम्र के उस पड़ाव पे हूं कि केले तक कच्चे नहीं खरीदता। कोई बात नहीं, किसी को कल समझ में आए तो वो कल ताली बजा लेना, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क, गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, हमाशा गांधी चौक सुजानगढ़। एक ग्राहक ने 15-20 मिनट तक जब देखा कि सब्जी वाला पानी छीटे ही जा रहा है सब्जी पे, तो उसके अंदर का व्यंगकार जागा। वो सब्जी वाले से बोला, भैया भिंडी को होश आ गया हो तो आधा किलो तोल दो। हिंदुस्तान में चुनाव 2 चरणों में होते हैं। पहले चरण में नेता आपके चरणों में होते हैं। आहा आहा आहा। दूसरे चरण में हम नेताजी के चरणों में होते हैं, मगर वे कमबख्त ऐसी गहरी नींद सोते हैं कि फिर हम कहीं के नहीं होते हैं। आहा आहा आहा। बस ये व्यंग है। अब सुनिए व्यंग क्या होता है कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। अगर दूसरी पंक्ति पकड़ ली व्यंग की तो दावा तो नहीं करता हूं, लेकिन एक बात का एहसास दिला के जाऊंगा कि व्यंग किस तरीके से होता है और आप तक पहुंचता है। एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई, एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। तालियां थोड़ी कम है व्यंग के लिए। मैं इस मुर्दे को झुलस भी सकता हूं अगर पूरे लोग नहीं बजाएंगे तो। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। आहा जी गोविंद भाई, वाह। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आके अग्नि दिखाएंगे। और व्यंग की अगली पंक्ति पे ये नहीं कहूंगा साहब के ताली बजाना, एक दावा करता हूं कि रोक के बताना, लेकिन अगर बजे तो फिर आखिरी तक के लोगों, कसम है अगर व्यंग की पंक्ति पहुंच जाए तो वहां तक की चाहिए मुझे। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे। मंत्री जी भन्ना कर बोले, आग कहाँ और कैसे लगानी है मुझे, क्या आप समझाएंगे। आहा आग कहाँ और कैसे लगानी है मुझे, क्या आप समझाएंगे। अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं, रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देखकर नहीं, आग तो हवा का रुख देख के लगानी चाहिए। आहा आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी वो हम ही तो हैं जो 75 बरस से इन मुर्दों पर राज कर रहे हैं। काश मंत्री जी को पेट की आग और चूल्हे की आग के बारे में भी कुछ पता होता तो दोस्तों इस हिंदुस्तान का नक्शा कोई दूसरा हुआ होता। हम तो वैज्ञानिकों को फेल करने वाला देश है हमारा। न्यूटन ने एक नियम बताया कि अगर कागज पे वजन रख दो तो कागज हिलता नहीं है। हमारे सुजानगढ़ का एक मारवाड़ी बोला, बेटा यहाँ आके देख, यहाँ कागज पे वजन रख दो उसके बाद कागज हिलता है। आपकी नजर में एक घटना दिलवा रहा हूँ खाली। हरियाणा के एक शहर में एक भैंसा 7 करोड़ रुपए में बिका पिछले दिन। आपने टीवी न्यूज चैनल पे भी ये खबर सुनी होगी और अखबार में भी खूब चली, भैंसा 7 करोड़ में बिका। अब कविता आपके हवाले है कि सुबह सुबह
अखबार में गजब का समाचार दिखा। खबर थी हरियाणा के एक शहर में एक भैंसा 7 करोड़ रुपए में बिका। मैंने पत्नी से कहा, इस खबर ने मेरे जहन में सन्नाटा सा खींच दिया है। यूं लगता है सीएम यमराज ने अपना भैंसा बेच दिया है। वाह 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 वाह, यूं लगता है सीएम यमराज ने अपना भैंसा बेच दिया है। पत्नी बोली है, मेरे भोले भंडारी, मती मारी गई है तुम्हारी। सुबह से अलापे जा रहे हो, जाने कौन सा राग। खबरों के इस भूत ने खत्म कर दिया है तुम्हारा दिमाग। मगर खबरों का ये भूत इस सच के आगे ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अरे जिस मुल्क में सीएम यमराज 2 कोड़ी में बिक जाते हों, वहां उनका भैंसा 7 करोड़ में कैसे बिकेगा। वाह 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 वाह। फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो मैं यही कहूंगी कि ऐसे हालात ही मुल्क को बीमार बना देते हैं। और भैंसा 7 करोड़ में बिक भी गया तो हैरत कैसी मेरे हुजूर। ये वो मुल्क है जहां गधे भी करोड़ों में बिक के सरकार बना देते हैं। आए हाय आए हाय आए हाय आए हाय, वाह 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 राठी जी वाह। सुबह सुबह इन्हें कोसने की ना भूल कीजिए। पहली बार कोई गधों से ऊपर उठा है, बधाई कबूल कीजिए। मैंने कहा, सच कह रही हो मेरी जान, मगर इतनी ही है अगर भैंसों और गधों की पहचान तो तू भी मेरी जिंदगी पर एक एहसान कर देती। इन 2 गधों को जन्म देने की बजाय एक भैंसा जन्म देती। मैंने कहा, सच कह रही हो मेरी जान, मगर इतनी ही अगर भैंसों और गधों की पहचान तो तू भी मेरी जिंदगी पर एक एहसान कर देती। इन 2 गधों को जन्म देने की बजाय एक आध भैंसा जन्म देती। लोग भी हो गए हैं केसों केसों के बाप, हम भी हो जाते गधे की जगह भैंसों के बाप। आहा। अब पत्नी के तरकश का तीर मैंने ब्रह्मास्त्र की तरह झेला। उसने तुरंत ही बोली, क्या बताऊं मेरे प्रीतम, हम तो इस सृष्टि के रचयिता के द्वारा छले गए हैं। हम तो इस सृष्टि के रचयिता के द्वारा छले गए हैं। अरे मैंने तो भैंसे ही पैदा किए थे कम्बक, मगर दोनों के दोनों बाप पर चले गए। मैंने तो भैंसे ही पैदा किए थे कमबख्त, मगर दोनों के दोनों बाप पर चले गए हैं। अरे तुमसे ज्यादा तो दुखी मेरी राम कहानी है। मुझे तो उम्र भर 3-3 गधों से निभानी है। मुझे तो उम्र भर 3-3 गधों से निभानी है, मगर मैं धैर्य नहीं खोने वाली। विदा करना। मगर मैं धैर्य नहीं खोने वाली, किसी ने वादा किया है अच्छे दिन जरूर आएंगे। जब इन सरकारी राज की रथों में भैंसों की जगह ये गधे जोते जाएंगे, ये गधे जोते जाएंगे। बहुत अच्छा।